मैडम सीजे वॉकर। मैडम सीजे वॉकर मिलियनेयर बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थीं। उनके किसान माता पिता दिहाड़ी करके अपना पेट पालते थे। बचपन में ही वे अनाथ हो गईं और उनकी विवाहित बहन ने उन्हें पाला। 14 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया ताकि उन्हें रहने के लिए घर मिल सके। 20 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा हो गईं और लोगों के कपड़े धोकर अपना गुजारा करने लगीं। ज़रा सोचिए, बाद में मिलियनेयर बनने वाली यह महिला कभी दूसरों के कपड़े धोती थी। 38 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया। उन्हें अश्वेत महिलाओं के बाल बढ़ाने और सुंदर करने का एक फॉर्मूला मिल गया। उन्होंने टब में साबुन और मरहम मिलाकर इसे तैयार किया था। बहुत से प्रयोग करने के बाद उन्होंने अपनी वॉकर तकनीक को परिपूर्ण बना लिया। इसमें एक शैम्पू, बाल बढ़ाने वाला पोमेड और गर्म लोहे की कंघियों का प्रयोग शामिल था। इस तकनीक से कड़क बाल भी चमकीले और नरम हो जाते थे। इसके अलावा उन्होंने अश्वेत महिलाओं के चेहरे के लिए क्रीम का फॉर्मूला भी तैयार किया। उन्हें विश्वास था कि इन फॉर्मूलों में व्यावसायिक सफलता भी संभावना है। पहले तो वे घर घर जाकर सामान बेचती थी, फिर उन्होंने दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में कार्यक्रम आयोजित करके इन सामानों के चमत्कार सबके सामने दिखाए। उन्होंने डाक से भी सामान बेचा। उनका व्यवसाय इतना सफल हुआ कि उन्होंने मैडम सीजे वॉकर लेबोरेटरीज की स्थापना की, जहां न सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन बनते थे बल्कि एजेंटों तथा सौंदर्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था। मैडम सीजे वॉकर ने एक विचार के दम पर अपनी किस्मत लिख ली और लाखों महिलाओं की शक्ल भी। धन्यवाद।